लॉकडाउन वन के तीसरे दिन आज हरियाणा में रोडवेज बस दिल्ली से छोड़कर के सभी रूटों पर सेवाएं बहाल कर दी गई। मंगलवार को हरियाणा रोडवेज विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि सभी जरूरी लोकल एवं वैन रोड पर रोडवेज बसें शुरू की जाएं, जिसके बाद आज बुधवार को फतेहाबाद में 74 दिन बाद बस स्टैंड में रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई। बस डिपो के इंचार्ज जसवंत सिंह ने बताया कि पहले फतेहाबाद में पंचकुला, चंडीगढ़, जयपुर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा तथा पंजाब सहित फतेहाबाद के रतिया, टोहाना, भूना सहित लोकल रूट पर भी बस सेवा बहाल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हालांकि आज पहला दिन है, इसलिए यात्रियों की संख्या कम रही और बसों का संचालन भी यात्रियों की संख्या के हिसाब से किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के तौर पर सावधानी बरतने के लिए बसों में बैठने से पहले यात्रियों के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इसके अलावा रोडवेज विभाग यात्रियों का रिकॉर्ड अपने पास दर्ज कर रहा है। बसों में सिर्फ 30 यात्री ही बैठने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डिपो में बस के संचालकों से पहले बस को भी सैनिटाइज किया जाएगा और आपस में दोबारा से वापस लौटने पर भी उसे सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं बस स्टैंड पर भी यात्रा करने के लिए पहुंचे यात्रियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को सफर करने में आसानी होगी तथा रोडवेज विभाग के परिचालक अमित शर्मा ने बताया कि रोडवेज की तरफ से तथा विभाग की तरफ से उन्हें मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए हैं और यात्रियों को कोरोना से सावधान रहने के लिए यात्रा करवाई जाए, इन सभी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारी आज से कुछ ये बसें स्टार्ट हुई हैं जो कि आज कुछ लोकल रूट चले हैं और कुछ ये चंडीगढ़ के लिए गाड़ी गई है आज हमारी 5:30 और कोई यात्री नहीं बना, एक यात्री गया जो कि अभी टोहाना ही खड़ी है, इसलिए अभी आज ट्रायल है। कुछ ऑनलाइन है जो वो तो जा हीगी और वैसे जो अन ऑनलाइन के बिना है वो भी गाड़ियाँ जो है लोकल है वो भी जाएगी गाड़ियाँ और जयपुर के लिए भी गाड़ी हमारी जाएगी आज, उसमें भी अभी तक तो कोई पैसेंजर नहीं है। अगर हिसार तक या राजगढ़ सवानी कोई भी पैसेंजर बनेगा तो गाड़ी हम भेजेंगे। तो आदेश क्या है सर, कितनी गाड़ियाँ किन किन रूटों पर चलाएंगे? आदेश तो यहाँ सर ऊपर से ऐसे है कि जैसे 3-4 तो हमारे लोकल रूट्स हैं, जैसे टोहाना है, सरदूलगढ़, रतिया है, हिसार, सरसा है, यही है रूट अभी तो लोकल के लिए। और चंडीगढ़ के लिए एक गाड़ी गई थी बाया पंजाब पटियाला 5:30 की, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था, एक पैसेंजर बना है सर ओनली। आदेशों में क्या है कि सभी रूटों पे बस चलाएं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है सभी रूटों पे, जैसे आस्ता आस्ता कुछ सामान्य रूप से होगा उसके बाद ही आगे की जो ऑक्यूपेशन वो लिया जाएगा। यात्री कितने के आ रहे हैं जी और किस पर आप उनको सैनिटाइज करके बसों में बिठा रहे हैं? अभी यात्री अभी जो भी आते हैं उनके लिए हम पूरी थर्मल स्कैनिंग करके और उनको सैनिटाइज करके बसों को शाम को दुलवा के सैनिटाइज करके ही सवारी को और मास्क के बिना हम सवारी को अंदर बस में एंट्री नहीं करने देते। तो जो टिकटों की जो बुकिंग है वो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, क्या वो जो पहले तो यह था प्रोग्राम भी जो ऑनलाइन ही थी टिकट जो थी, अभी वो आज से अभी हमारे सर जो ऊपर अधिकारी नहीं आए, अभी 9 बजे आएंगे, उनके बाद ही जैसे अगला जो भी है प्रोग्राम जैसे ऑफलाइन का भी शुरू होगा तो उसके बाद ही जैसा होगा मुनासिब प्रोग्राम। तो जो रिकॉर्ड है जैसे यात्री जो आ रहे हैं अभी जो फिलहाल उनका आप क्या रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं? उनका रिकॉर्ड है जैसे आधार कार्ड नंबर है उनका, मोबाइल नंबर है, कहाँ से आए हैं, स्थाई पता है, नाम है, उनके पिता का नाम है, वो हमारे सब रजिस्टर में डेली दर्ज करते हैं। उनका रिकॉर्ड जो है हमारे 19 तारीख से लेकर आज तक हमारे पास सारा सभी का ही दर्ज है, जो भी यात्री हमारे ऑनलाइन होके गई बुकिंग गए, चाहे वो दिल्ली गए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ गए हैं, चाहे वो सरसा गए हैं, चाहे रोहतक गए, कहीं भी गए, हमारे पास कार्ड ऑलरेडी है। बस में चालक और परिचालक हाँ जी अपना ध्यान रखते हैं इस महामारी के अंदर, तो उनको किस प्रकार से आप सैनिटाइज कर रहे हैं और किस तरह की सावधानी बरतने की आप बात कर रहे हैं? हाँ, उनको हम सैनिटाइज देते हैं बाकायदा गाड़ी में और मास्क है उनके पास और अच्छी सफाई है, धुलाई है बस की, सैनिटाइज करके ही बेचते हैं उनको और अच्छा फासला बनाने के लिए डिस्टेंस रखते हैं। तो बसों में जो यात्रीगण बैठे हुए अधिक सवारी होती है तो किस तरह आप उनको बिठाएंगे, कितनी सवारी अलाउड है बस के अंदर? हमारी सवारी 30 सवारी अलाउड है जी, जो 52 सीटर है उसमें 30 सवारी है, जैसे 3 वाली सीट है उसमें 2 सवारी बैठेगी, 2 वाली में 1 सवारी बैठेगी। तो अगर 30 से कम सवारी रहती है तो रस्ते से जो है बस सवारी ले सकती है? नहीं, अभी तक तो नहीं है ये, अगर आगे कोई आदेश आएगा तो उसके बाद।
अभी तो फिलहाल जो यहाँ से स्टेशन से गाड़ी चलेगी वो ऑनलाइन वहीं जाकर रुकेगी। रास्ते का कोई अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। क्या नाम है जी, क्या पता है जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा जसवंत सिंह जी, स्टैंड इंचार्ज। सर आज बसें शुरू हुई हैं और आपकी ड्यूटी किस रूट पे है और कैसे आप इस महामारी के दौरान क्या आदेश है आपको यात्रियों को कैसे सफर करवाना है? हमें तो महाप्रबंधक के द्वारा आदेश मिले हैं कि फतेहाबाद टोहाना की, और जैसे जैसे सवारी स्टॉपेज बीच में रतिया मेन स्टॉपेज है, कुला मेन स्टॉपेज है, टोहाना मेन स्टॉपेज है, वहाँ से सवारियाँ लेनी होगी। और 30 सवारी हमने लेनी है कम से कम, और मैक्सिमम 35, ये आदेश है। तो सुरक्षा जो है, जो आपकी खुद की सुरक्षा है, वो कैसे आप मेंटेन करेंगे? हमें महाप्रबंधक के द्वारा मास्क प्रदान किए गए हैं, सैनिटाइजर प्रदान किया गया जी, और बाकी फैसिलिटी भी दी गई है जी। तो बसों में जब यात्री चढ़ेंगे तो उनकी क्या सुरक्षा, मतलब कैसे चढ़ाया जाएगा, क्या सुरक्षा मानव उनके लिए हमें ये दिए गए जी, सैनिटाइजर दिए गए हैं जी, उनके हैंड वॉश करके फिर चढ़ाएंगे जी। जितनी सुविधा होगी, सहूलियत होगी, उस हिसाब से हम सवारियों को बिठाएंगे जी, जितना सोशल डिस्टेंस के द्वारा बिठाएंगे जी। जहाँ 3 सीट है वहाँ 2 बिठाएंगे, जहाँ 2 है वहाँ 1 बिठाएंगे। क्या नाम है? मेरा अमित शर्मा। बस स्टैंड आए हैं, कहाँ सफ़र कर रहे हैं? सर मैं रोहतक के लिए निकला हूँ घर से। मुझे जैसे ही कल जानकारी मिली कि बसें शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए आज मुझे रोहतक जरूरी काम है और आज मैं रोहतक जा रहा हूँ। क्या आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है या वैसे? नो सर। सर ये फ़ोन में आया हुआ था जी, बस में टिकटें कटेंगी और एक बस में 30 सवारी जाएंगी, उसी बेस पे मैं आया हूँ। सर मेरी यही बातचीत है, ये भी सिरसा से बस आ रही है, 8:30 यहाँ पहुँच जाएगी और आप उसमें रोहतक जा सकते हैं। आपकी जांच वगैरह कंप्लीट हो गई है? सर अभी हुआ नहीं, अभी मैं करवाऊँगा अपनी जाँच। देवेंद्र कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? और हम पंचकुला जा रहे हैं सर। तो बस से आपको कैसे जानकारी मिली कि बस स्टैंड से बच जाए? हमें यार ऑनलाइन करवाई है, यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करवाई। हाँ जी, बोल के बताओ। यहाँ से ऑनलाइन करवाई है हमारी, और यहाँ के ही हैं सर, वो भेज रहे हैं हमारे को यहाँ से। तो कितने बजे का टाइम आपको दिया गया? 9 बजे का दिया है टाइम। अकेले सफ़र कर रहे हैं? अकेले हैं सर। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र है जी।